हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप फेसबुक पिक्सल को गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट पे जाके, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा डेटा नहीं है, ज़्यादा वेबसाइट नहीं है, आपको सिंपल मैनुअली करना है तो अभी वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें एक जगह मैनेज करनी है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, तो इसके थ्रू इंस्टॉल करना बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसको कैसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो ऐसे और भी वैल्यूबल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट में जाना है, वहाँ पे जाके हम पिक्सल क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ के कोड को हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर जाकर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। तो मैंने लॉगिन कर लिया है अपने बिजनेस मेटा बिजनेस मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे अभी जाके मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक डेटा सेट। जो पहले इसको पिक्सल बोलते थे, अभी डेटा सेट के अंदर क्रिएट करते हैं, लेकिन वो एड्स के अंदर अगेन दिखाता पिक्सल है, तो पता नहीं ये फेसबुक क्या घुमाता फिराता रहता है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं, यहाँ पे मैं गया डेटा सेट के अंदर, और अभी यहाँ पे जाके मैं एक नया पिक्सल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे जाना है एड पे, हम इसका नाम दे देते हैं डेमो डेमो एल। ठीक है, तो डेमो मैंने पिक्सल का नाम दे दिया क्योंकि हमारी उस वेबसाइट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो आप नए मैसेज देना, जैसे आपकी जो वेबसाइट हो तो आपको बाद में पता लगेगा। तो ठीक है, अभी आपको करना है क्रिएट पे, और ये आपका पिक्सल क्रिएट हो गया। अभी आपको जाना है ओपन इन इवेंट्स मैनेजर। तो अभी हम हमारे पिक्सल के अंदर आ गए, और यहाँ पे आपके जितने भी सारे पिक्सल होंगे यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखाएगा। तो अभी यहाँ पे हम जाते हैं, अभी अपना कोड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, सेटअप कन्वर्जन एपीआई और सेटअप मेटा पिक्सल। तो दोनों के थ्रू हम कोड जनरेट कर सकते हैं, सेम ही कोड जनरेट होता है, लेकिन कन्वर्जन एपीआई को अभी हम इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले, तो वो बहुत ब्रॉड चैप्टर है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी सेटअप मेटा पिक्सल। तो आपको मेटा पिक्सल पर क्लिक करना है, और हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि हम इंस्टॉल किसी भी वेबसाइट पे करते हैं। अगर आपको पार्टनर पे करना है जैसे वर्डप्रेस, शॉपिफाई, तो आप उनका डायरेक्ट जाके ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसमें उसके थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन हम करने वाले हैं इंस्टॉल कोड मैनुअली। तो बस अभी अपने को यहाँ से ये कोड मिल गया, तो इसको करना है कॉपी पेस्ट। अब ठीक है, तो यहाँ का काम हो गया, हमारा कोड जनरेट हो गया, और हमारा फेसबुक मैनेजर के अंदर का काम यहाँ तक फिनिश। अब हम जाते हैं अपने टैग मैनेजर के अंदर। तो हम आ गए अपने टैग मैनेजर के अंदर, गूगल टैग मैनेजर के अंदर। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर आपको कुछ भी कोड ऐड करना है फर्स्ट टाइम, तो आपको नया टैग्स क्रिएट करना पड़ता है। तो टैग्स एक तरह से आपका कोड ही, जो आप टैग मैनेजर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो हम जाते हैं टैग्स पे, और एक बात पहले बता दूं कि जो गूगल टैग मैनेजर का कोड आप पहले आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल होना चाहिए, आपकी वर्डप्रेस है या कोई दूसरी वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है, तो पहले वहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का कोड इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ही ये स्टेप करना, वरना आपका वर्क नहीं करेगा। तो अभी हम आ गए टैग पे। तो टैग पे हमने गूगल एनालिटिक्स का लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू पे, यहाँ पे जाना है टैग कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे अपने को ऐड करना पड़ेगा कस्टम एचटीएमएल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम एचटीएमएल। इसके अलावा एक और मेथड होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, जब आप डिस्कवर मोर टेक टाइपिंग कम्युनिटी टेम्पलेट लाइब्रेरी गैलरी। तो अगर आप यहाँ पे भी जाते हैं फेसबुक, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक पिक्सल। तो यहाँ पे भी जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, थर्ड पार्टी जो डेवलपर होते हैं उन्होंने ये टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो ये आप यूज़ करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अब ये पता नहीं कि ये अपडेटेड है या नहीं। जैसे फेसबुक की या मेटा की पॉलिसी अपडेटेड होती रहती है, तो अगर उन्होंने इस टेम्पलेट के अंदर कोड अपडेट नहीं किया है लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से, तो फिर आपका ये हो सकता है फ्यूचर में वर्क ना करे। तो आप टेम्पलेट के थ्रू करेंगे तो ईजी हो जाएगा, बट इसमें यह रिस्क है कि ये मतलब अपडेटेड है नहीं ये टेम्पलेट विद लेटेस्ट कोड। उसके अलावा ये थर्ड पार्टी है, मतलब ये थर्ड पार्टी जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, ये डायरेक्ट फेसबुक का नहीं है। तो आप इनकी हेल्प से आपका काम ईजी हो जाएगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर कस्टम एचटीएमएल से क्रिएट करते हैं तो आपका फुल कंट्रोल आपके पास रहेगा। इसमें डालेंगे तो अगर इसने अपडेट नहीं किया इसका कोड, अगर मान लो 6 मंथ बाद कुछ नया पॉलिसी लेके आया, कुछ चेंज हो गया, तो वो रिस्क होता है। तो इनको अपडेटेड होना पड़ेगा तभी ये बेटर है। तो आप मैनुअली, मैं रिकमेंड करूँगा आप कस्टम एचटीएमएल से इंस्टॉल करें फिलहाल। तो आपको क्लिक करना है कस्टम एचटीएमएल पे, और यहाँ पे आपको कस्टम एचटीएमएल था यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे आपको आपका कोड जस्ट पेस्ट कर देना है, हमने जो पिक्सल का कोड इंस्टॉल किया था इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे कुछ कुछ एडवांस सेटिंग भी है, लेकिन उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, बस। तो इसको
पेस्ट कर देना। इसके बाद आपको ट्रिगरिंग करना है, तो ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग में अपने को लोड करना है ऑल द पेजेस पर। आप चाहें तो ऑल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ ऑल पेजेस या कंटेंट कंसेंट इनिशियलाइजेशन ऑल पेज, तो ये दोनों करेंगे तब भी वर्क करेगा। तो मैं ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जस्ट इस पर क्लिक कर देना है सेव पे। हम इसका नाम दे देते हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया एफबी पिक्सल को, ठीक है। तो इसको कर देना सेव, ठीक है। तो हमारा ये कोड गूगल टेक से कनेक्टेड हो गया। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, पहले इसको टेस्ट करेंगे, फिर इसको बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तभी हमारी वेबसाइट पे लाइव जाएगा। लेकिन मैं एक बात, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, अभी आपने कोड ऐड कर दिया तो इसको रिफ्लेक्ट करने में कुछ कभी कभी 5 से 10 मिनट भी लग जाता है, और कभी फटाफट भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब टेस्टिंग में तो हो जाएगा, हमें प्रीव्यू में तो दिखा देगा, लेकिन जब लाइव पे जाने में कभी कभी 5 से 10 मिनट का टाइम भी ले लेता है। तो पैनिक मत होना अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लाइव जाने के बाद बता रहा हूँ। अभी हम पहले इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे, वेबसाइट ऑलरेडी अपन ने डाला हुआ है, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं कनेक्ट से, तो ये हमारी साइट को डिबगिंग मोड में ओपन कर देगा। उसके बाद हम जाते हैं हमारे इसके अंदर, तो इसको करना है कंटिन्यू। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FB पिक्सल बेस जो हमने इंस्टॉल किया था इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब हमारा जो फेसबुक पिक्सल है, मेटा पिक्सल है, वो कनेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोड भी दिखा रहा है, 3 कंटेनर लोडेड हुए हैं ऑल पेज पे। अपन ने इसको फायर किया था, राइट। तो ये फायर आपको दिखा रहा होगा, राइट। तो हमारा जो फेसबुक फेसबुक नहीं, मेटा पिक्सल बोलना चाहिए अभी, लाइक फेसबुक की आदत है अभी। तो ये हमारा मेटा पिक्सल इस गूगल टेक से कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो मतलब हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो गया, तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जाके डिबगिंग मोड को फिनिश कर देता हूँ, तो मेरा फिनिश हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ठीक है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फिर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि क्यों नहीं दिखेगा आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने इसको लाइव नहीं किया हुआ है। तो अभी हम इसको लाइव कर देते हैं बराबर, ओके। तो अभी यहाँ पे आपको जाके कर देना है सबमिट पे क्लिक, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं पिक्स, हमने फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर दिया है, तो ये हमारा नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा और ये लाइव है, तो इसको पब्लिश कर देना। तो ये हमारा फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल हो गया है। तो हमने 3 चीज़ें इंस्टॉल हो गया, हमारा गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके रखा था, एफबी पिक्सल हमारा इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम जाते हैं वर्क स्पेस पे, तो मतलब हमारा यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आपको ये हमने 2 टेक्स्ट क्रिएट किए हुए, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब अपने को टेस्ट, वैसे टेस्ट हमने कर लिया था, लेकिन हम साइट पे जाके भी इसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो पिक्सल मेटा पिक्सल हेल्पर के अंदर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है, 2 से 5 मिनट, क्योंकि अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट को लोड होने में, सिंक होने में थोड़ा सा कभी कभी 5 मिनट ले लेता है। तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी टेस्ट करेंगे, और इसके अलावा हम हमारे जो फेसबुक का जो अकाउंट है, एड्स अकाउंट है, वहाँ पे भी हम इवेंट के थ्रू इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये दिखेगा ही, तो हम पहले जाते हैं, पहले अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर जाके इसको टेस्ट करते हैं, तो वहीं से अपने को पता लग जाएगा कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो हम जाते हैं फिर से अपने मेटा एड्स अकाउंट के अंदर, तो हम यहाँ तक आ गए थे। तो हमें यहाँ पे जाके कंटिन्यू करना है आपके एड्स अकाउंट के अंदर, इसको आपको टर्न ऑन कर देना तो अच्छा रहेगा। इसके बाद इवेंट सेटअप हम अभी करने वाले हैं नहीं, इसको बाद में करेंगे। हम जाते हैं फेसबुक ओवरव्यू पे, तो इसको ओके। तो हमारा ये इसका सेटिंग हो गया है, हमने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दिया है। अभी आपको कौन सा काम करना है, इसको टेस्ट करना है। तो अभी यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, तो एक बार क्या करना, आप इसके पेज को रिफ्रेश कर देना। ये कभी कभी क्या है, अपडेटेड होते हैं ये सारे टेप्स। तो हम पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, रिलोड कर देते हैं। तो हमारा जो टेस्ट इवेंट का टैब अभी इसके अंदर आ गया है, तो अभी हम यहाँ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपने को टेस्ट करने के लिए कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट आर सब। तो हमने सर्वर साइड सेट नहीं किया है, मतलब कन्वर्जन एपीआई नहीं सेट किया है, तो आपको ये ब्राउजर साइट वाला, वेबसाइट वाला टेस्ट करना है। यहाँ पे आपको डाल देना है अपनी वेबसाइट का नाम। अब हम करते हैं इस पर क्लिक, तो इसको आपको 5 से 5 या 10 मिनट कभी कभी लग जाते हैं, अगर आप गूगल टेग मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करते होते हैं तो, इसको जो कोड को सिंक होने में।
तो आप अगर आपका फटाफट नहीं दिखे ना कभी कभी, तो आप 5 से 10 मिनट वेट करना, फिर इसको टेस्ट करना, तो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हमारा कोड इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो हमें 2-3 मिनट तो हो गए, तो अभी हम जाते हैं ओपन न्यू वेबसाइट पे। यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो जैसे डिबग मोड में ओपन होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पिक्सल मेरा जो हेल्पर है इसको डेटा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरा पिक्सल कनेक्टेड हो गया है, और इसका जो आईडी भी आप देख सकते हैं लास्ट में है 272। तो हम फेसबुक मेटा एड्स मैनेजर में जाके कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो पिक्सल आईडी बराबर है। तो 272 इज द लास्ट डिजिट। तो मैं अभी जाके चेक करता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर के अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इसका आईडी आप देख सकते हैं 272 है, जो हमने वहाँ पे पिक्सल हेल्पर के अंदर देखा था। तो इसका मतलब हमारा जो मेटा पिक्सल कोड प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है, और आप यहाँ पे भी जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट इवेंट के अंदर। तो हम इसको कर देते हैं फिनिश। अब अगर आप इसको रिफ्रेश भी करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखा देगा, ये मतलब हमारा पिक्सल कनेक्टेड हो गया है। तो ये बहुत इजी मेथड है गूगल टैग मैनेजर की। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, कस्टम एचटीएमएल में जाके आपका जो फेसबुक मेटा पिक्सल का कोड पेस्ट करना है, और दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अधिकतर कोड गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ही करें। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टिल अगर आपका कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और चैनल को लाइक कर सकते हैं आप, सॉरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो एकदम फ्री है। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।